पठानकोट के परमानंद में भाजपा के कार्यक्रम को रद्द करवाने किसान जत्थे बंदिया पहुंची। जिस जगह पर भाजपा द्वारा कार्यक्रम किया जा सकता था उस जगह का घेराव करते हुए किसानों द्वारा पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे दोनों तरफ से जाम किया गया। रोष प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती ऐसे ही भाजपाइयों के कार्यक्रमों का घेराव किया जाएगा। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। रोष साडा ही है कि ये जड़ा प्रोग्राम इन्होंने लिखा उन्हें रद्द किया जाए और किसानों दी जड़ियां मंगा ना बजाय उन्हों का साथ देने दे अपने गलत कार्य जड़े ने कर रहे हैं। इस रोष वजो जड़ा ना नैशनल जड़ा हाईवे आ पठानकोट तो जड़ा अमृतसर जा रहा उधर ते असी बैठे हुए हैं। जदों तक साड़ी मंग नहीं मनी जाती असी इत्थे बैठे रहांगे। जड़ा इत्थे सीमा देवी जी मैडम आ बीजेपी की जी विधायक रह चुकी आ वो चोर दरवाजे राही मीटिंग कर रही आ अटल बिहारी वाजपेयी का पता नहीं कि दिन मना रहे कि नहीं मना रहे। तो ये संबंध में असी उन्होंने अज मीटिंग नहीं होने दी इत्थे सामने जो गेट है बंद कर लिया असी मीटिंग नहीं होने दी तो जाम इस करके भी जी पुलिस आ वह भी साढ़े ना इतने धक्का कर रही आ और इस करके असी जोड़ा रोस आ अपना मैं पब्लिक ने एक गल कह देना भी पब्लिक नाल नहीं साडा साडा बीजेपी सरकार दे नाल जिन सारा भारतवर्ष जोड़ा तंग कर दिता और एक जोड़ा हंकड़बाज एक हिटलर वर्गा जोड़ा देश का प्रधानमंत्री जिन सारा लोकतंत्र वेच दिता सारा देश वेचन फिर और लोगों वेचन फिर वोदिया इतने गल् सुनते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उत्ते जहाजा गल् तो सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से गल् करे इस तरह लोगों अंदर वड़ के डरते हो। मैं तो कहना डरे रहन इतने अंदर आने वाले दिनों इन्हें बीजेपी वालों अंदर अंदर डक के रखा बाहर नहीं निकल देंगे। ये रोड जाम नहीं किया तक रोस जरा प्रदर्शन किया वा रोड राड अं कोई नहीं हले असी इतने अमृतसर पठानकोट हाईवे से बैठे हाँ और ये कोई रोस प्रदर्शन आ ना कि जाम आ असी हर दुख तकलीफ वाले बंदे नूं जान देना चाहते हाँ असी जान देन भी डे हाँ किसी नूं नहीं उह जिहा रोकिया गया।